عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. देखो इंसान के जिस्म में दो अजीम नेमतें अल्लाह ताला ने रखी, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने दो अजीम नेमतें, एक दिल है और एक दिमाग। हर इंसान को अल्लाह ने ये दो नेमतें दी, एक दिल और एक दिमाग। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो नेमतों से नवाजा है, एक भड़कता हुआ दिल है और दूसरा धड़कता हुआ दिमाग। ये धड़कता हुआ दिल इंसान के जज्बात इमोशन का मकाम रखता है और ये धड़कता हुआ दिमाग इंसान के ख्याल का मकाम है। दिल इंसान के जज्बात का सेंटर है और दिमाग इंसान के ख्याल का सेंटर। जितने ख्याल पकते हैं वो सब दिमाग में, जितने जज्बात होते हैं वो दिल पर। जो ख्याल इंसान के जहन में अमल में आता है, प्रोसेस होता है, ये उसकी अकल का काम है। जिस तरह कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसर होता है कंप्यूटर के अंदर, अगर कोई मसला हो तो माइक्रो प्रोसेसर उसको हल यानी स्लो करके वापस भेज देता है, हल करके वापस भेज देता है। इसी तरह इंसान की बॉडी इंसान का जिस्म में ये ख्याल की मशीन जो दिमाग है जो अल्लाह ने बनाया है, आप दिमाग को कोई भी ख्याल दे दीजिए, ये दिमाग जो है उस पर ताना बाना बनाना शुरू कर देगा और एक बात की पूरी कहानी बना। जो लोग स्टोरियां लिखते हैं कहानियां लिखते हैं क्या करते हैं, उसने सोचा कि मुझे किस पर एक कहानी लिखनी है और दिमाग को वो चीज दे दिया और उस पर सोचना शुरू कर दिया। कोई भी इंसान या दिमाग को कोई भी चीज दे दो तो उस पर वो ख्याल शुरू कर देता। इसी के बारे में कुछ करते हुए देखा तो बदगुमानी के बहुत सारे ख्याल शुरू कर दिए, हालांकि उसका उसको हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सोच। चुनांचे सोच के दो अंदाज है, सोच के दो अंदाज है। आज की जो बात है वो पॉइंट है नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच। इसको दूसरे अल्फाज में कहेंगे मनफी सोच और मुस्बत सोच, और उससे सादा अंदाज में समझना है तो अच्छी सोच और बुरी सोच। इस पर सारी बात हुई। तो अच्छी सोच के क्या असर हमारे जिस्म पर पड़ते हैं, बुरी सोच के क्या असर हमारे जिस्म पर पड़ते हैं, वो सोच। सोच के दो अंदाज है, एक मुस्बत और एक मनफी, यानी एक अच्छी सोच और एक बुरी सोच। तहम सोच के हमेशा दो अंदाज होते हैं, एक अंदाज को कहते हैं मुस्बत अंदाज और दूसरे को कहते हैं मनफी अंदाज। एक होती है पॉजिटिव थिंकिंग और एक होती है नेगेटिव थिंकिंग, मनफी सोच। मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक गिलास पड़ा हुआ है और उसमें वो आधा पानी से भरा हुआ, एक गिलास होकर आधा पानी से भरा हुआ। अब सोचने के दो अंदाज, किसी ने उस गिलास को देखकर कहा कि आधा खाली, इसकी बात भी सही है, और किसी ने दूसरे ने उसको सोचकर कहा कि आधा भरा हुआ है, तो दोनों की सोच सही है। लेकिन जिसने कहा खाली है ये पॉजिटिव थिंकिंग है, मनफी सोच है
जिसने कहा आधा भरा हुआ है ये मस्बत सोच, तो कहा गलास आधा खाली, उसने ठीक कहा। और दूसरे ने देखा तो खुश होकर कहा कि गलास आधा भरा हुआ है, उसने भी ठीक कहा। मगर उसने मस्बत तरीके से सोचा, जिसने मुंह बना के कहा आधा खाली है, उसने भी ठीक कहा, मगर उसने मनफी तरीके से सोचा। इसको नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं। और हमें इससे बदल कर मस्बत और पॉजिटिव थिंकिंग पर आना है। दूसरी मिसाल, फूल खिला हुआ आफाक में गए, फूल खिला हुआ था, तो एक बंदा जो बड़ा बड़ा ही खुश था, उसकी नजर फूल पर पड़ी तो कहने लगा कि आज मैं ही खुश नहीं कि नदियों को देखे, उन्होंने भी आज अपनी पत्तियों को खुला हुआ फूल खुला हुआ था, खुशी का इजहार कर रही है। एक साहब घर से निकले अफसोसदा हालत में, डिप्रेशन में थे, उनकी नजर उस फूल पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि आमले है सीना चाक, ताने चमक से सीना चाक। यानी उन्होंने शेर कहा कि मैं भी सीना चाक था और फूल को देखो उसको भी सीना चाक। उसने कहा फूल खिला हुआ है, उसने कहा फूल का सीना चाक है। यानी इंसान किसी सोच में था, तो हालांकि खिला हुआ एक अच्छा लफ्ज था, सीना चाक एक बुरा लफ्ज है, तो उसने पूरी सोच ली। तो एक ही फूल एक ही है, लेकिन एक पॉजिटिव थिंकिंग है, एक नेगेटिव थिंकिंग। चुनाचे एक टहनी थी, तीसरी मिसाल समझ, एक टहनी थी उसके ऊपर रोज गुलाब भी थे और कांटे भी थे। जहां रोज होगा है गुलाब का फूल होगा, वहां कांटे होंगे कि नहीं होंगे? कभी देखा नहीं, हर जगह जहां गुलाब के फूल होगा वहां कांटे होंगे। तो एक टहनी जिसमें गुलाब के फूल थे उसमें कांटे भी थे, उसको देखकर एक बंदे ने कमेंट किया, तासुर जाहिर किया कि यार क्या बात है, जहां गुलाब होते हैं वही कांटे होते हैं। क्या कहा कि जहां गुलाब होते हैं वहां कांटे होते हैं। अब उसको उलझन हो रही थी कि जहां रोज होते हैं गुलाब है वहीं कांटे क्यों होते हैं, ये एक ही सोच थी। दूसरे ने उसे कहा इस सोचो कि दुनिया में अगर कांटे होते हैं तो उनके साथ फूल भी होते हैं। लेकिन ये भी एक सोच है। उसने कहा फूल के साथ कांटे है, उसने कहा कांटों के साथ फूल है, दिखने में कुछ नहीं है, सोच का फर्क है, सोच समझने की कोशिश कर। ये दुनिया में कांटे होते हैं तो उनके साथ फूल भी होते हैं। अब बात तो दोनों की एक ही है, एक को कहेंगे पॉजिटिव थिंकिंग और दूसरों को कहेंगे नेगेटिव थिंकिंग। चौथी मिसाल समझ, दो आदमी कैदी थे, उनको थोड़ी देर के लिए रिलीज, थोड़ी देर के लिए आजाद किया गया, तो जरा बाहर फ्रेश होने के लिए आए, ताजा हवा लेने। वो चंद मिनट बाहर रहे, फिर दोबारा कमरे में आए, एक दूसरे से बात करने लगे। तो एक ने कहा यार लगता है बाहर बारिश हुई है, एक ने कहा लगता है कि बाहर बारिश हुई है। दूसरे ने पूछा कैसे, उसने कहा यार दरख्त पर मेरी नजर पड़ी तो पत्ते धुले हुए थे, दरख्त पर मेरी नजर पड़ी तो पत्ते धुले हुए थे, फूल बहुत खूबसूरत चमक रहे थे। उसने दूसरे ने पूछा कि तुमने क्या नतीजा निकाला, उसने कहा हां मैंने देखा कि जमीन पर कीचड़ बना हुआ था, इसलिए मैंने समझा कि बारिश हुई। उसने क्या सोचा, कीचड़ को सोचा, कीचड़ को देखकर कहता है बारिश हुई है, उसने कहा पत्ते खिल रहे थे तो मैंने सोचा कि बारिश हुई। अब दोनों की सोच में कितना बड़ा फर्क है। हमें कीचड़ वाली सोच से निकलना है इंशाल्लाह निकलेंगे, अल्लाह निकाल। तो फरमाया कीचड़ बनी हुई थी। अब देखिए बात दोनों ने ठीक की, मगर एक की नजर फूल फल और फूल पर पड़े
और दूसरे की नजर कीचड़ पर पड़ी। हमेशा आप देखेंगे कि इंसानों की सोच इसी तरह अदलती बदलती रहती है। बात एक ही होती है, एक बंदा एक एंगल से एक कोने से देख रहा होता है, दूसरा बंदा दूसरे एंगल से देख रहा होता है, खुश होता है तो पॉजिटिव थिंकिंग और नाराज होता है तो नेगेटिव थिंकिंग होता है। एक शख्स की बीवी और मिसाल सुन, एक शख्स की बीवी बहुत खुश हो रही थी, खाविन का जरा मूड खराब था। उसने पूछा कि इतना खुश क्यों हो रही हो, इतना खुश क्यों हो रही हो। कहने लगी जरा मेरी आंख देखो, मेरी आंखें देखो, ये तो अदाकारों से मिलती है। उसने ये तो आपस में मिलती नहीं, मेरी आंखें देखो कि मेरी आंखें अदाकारों से मिलती है, एक्टर से पुना पुना नाम लेकर। तो कहा कि आपस में तो मिलती नहीं, कैसी सोच है। तो उसने कहा, उसका मूड ऑफ था, तो उसने कहा कि इसने कहा ये तो आपस में मिलती नहीं, फिर तो उसके वो एक्टर था कि फिर तो से क्या मिलेगी। अभी इंसान की बात है कि जो चाहे वैसे जवाब दे दे, जैसी सोच। एक साहब बिहार में बीए असली तालीम की डिग्री ली और बीए पास थे और बड़े खुश थे, मैं पूरे गांव में ग्रेजुएट हूं, पूरे गांव में ग्रेजुएट हूं, बहुत खुश था वो। एक दिन बीवी खफा हो गई तो किसी औरत ने पूछ लिया तेरा खाविन लिखा पड़ा है। कहने लगे हाँ दो लफ्ज़ पढ़े, हाँ दो लफ्ज़ पढ़े वो भी उल्टे, यानी बी के ए भी नहीं बी के, बोले दो लफ्ज़ पढ़ा है वो भी उल्टे, हाँ बी के पढ़ा हुआ है, यानी अंग्रेजी में हुरूफ की तरतीब इस तरह है कि ए भी, तो मेरे खाविन ने दो लफ्ज़ पढ़े वो भी उल्टे पढ़े। बात करने का अंदाजा होता है और इंसान जो करता है वैसी उसकी थिंकिंग होती है, जो करता है वैसी उसकी थिंकिंग होती है। मगर ये जो मुख्तलिफ मोड और थिंकिंग होते हैं ये इंसान के लिए फायदामंद भी है। सोच चुनाचे एक आदमी ने वाटरमेलन तरबूज की काश्त की। ये थिंकिंग जो है इंसान सोचता है तो अगर एक अच्छी सोच रखेगा तो कामयाब होगा। उस पर एक किस्सा सुना, एक तरबूज की काश की खेत में तरबूज उगाए, अल्लाह की शान के वो इतने मीठे नहीं थे, फीके थे। अब फीके तरबूज तो कोई नहीं लेगा, मीठे नहीं थे। वो लेकर शहर आया, उसने इतवार के बाजार में तरबूज की दुकान लगाई, लेकिन जो बंदा आता देखता चखता और वो देखता कि फीके है तो चला जाता, वो बड़े परेशान हुआ, मेरे तो पूरा खेत लगा हुआ है, मेरी तो फसल नाकाम हो जाएगी। अब थिंकिंग किया, सोच, वो बड़ा परेशान बैठा हुआ था कि वक्त खत्म हो रहा है, सब्जियां खरीद कर लोग वापस जा रहे हैं, मेरे तरबूज बिक नहीं रहे। उसने परेशान होने के बजाय सोचा कि मेरा थिंकिंग करो, सोचो। उसने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं, उसके जहन में ख्याल आया, चुनाचे वो गया और पेंटर से एक बैनर लिखवाया, पेंटर से एक बैनर लिखवाया, दिखाकर लाया और उसने दुकान के ऊपर एक बैनर लगा दिया और बैनर लगते ही लोगों का रश और भीड़ बढ़ गई। बैनर पर क्या लिखा हुआ था वो देखने देखते शहर की तारीख में पहली बार शुगर फ्री वाटरमेलन। शुगर बताओ, शहर की तारीख में पहली बार शुगर फ्री वाटरमेलन, सच भी बोल दिया और बिजनेस भी हो गई। झूठ बोला बोलो उसमें, खाली वो फीका था इसमें शुगर फ्री वाटरमेलन। तो अब जिसने पढ़ा उसने कहा कि मेरे अबू के लिए ले जाता हूं उनको शुगर है, और मेरे अम्मी के लिए ले जाता हूं उनको शुगर है,
चुनाचे उसके वो वाटर मेलन दुगनी प्राइस से बिके। ये क्या था थिंकिंग, सोचना चाहिए। हालात आ जाएगा तो घबराओ ना, बैठ कर सोचो कि मैं क्या कर सकता। सोचेंगे तो अल्लाह ताला दिल पर डालेंगे। देखो इसके एक घबराने के बजाय सोचने लगा कि मेरा क्या होगा, अल्लाह ताला ने उसको सोचा मेहनत कर। तो इंसान की सोच के मुख्तलिफ एंगल अंदाजे होते हैं, ये इंसान के अपने ऊपर मुनसिब है कि उसको पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करे या नेगेटिव तरीके से। इसीलिए बात करने का भी अंदाज होता है। एक ही बात को आप ऐसे कर सकते हैं कि दूसरा खुश हो जाए, और उसी बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि अगले को आग लग जाए। बात एक ही है, एक ही बात से आदमी खुश भी हो जाता है और उसी बात से गुस्से भी हो सकते हैं। तो बात का अंदाज, एक बादशाह को उस पर एक मिसाल दे दो। एक बादशाह को ख्वाब आया कि मेरे सारे दांत गिर गए। एक बादशाह को ख्वाब आया कि मेरे सारे दांत गिर गए। उसने कहा कि भाई इसी ताबीर देने वालों को बुला होगा, इसकी क्या ताबीर हो सकती। एक ताबीर देने वाले साहब आए, मगर वो इतने तजर्बा का और सलीके वाले नहीं थे, तो उनको बातचीत का इतना अंदाजा नहीं था। उन्होंने सिंपल और सीधी सी ताबीर दे दी कि बादशाह सलामत, आपके सब बच्चे बीवियां आपकी आंखों के सामने बढ़ेंगी। दांतों की गिरने की ताबीर होगी, जैसे क्या कहा, आपके सब बच्चे और आपकी बीवी आपकी आंखों के सामने बढ़ेंगे। उसकी यही ताबीर है। उसको बड़ा गुस्सा है, लेकिन आपकी ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करता, उसको बड़ा गुस्सा है। उसने उसको दो जूते लगवाए और कहा कि इसको ले जाओ। फिर बादशाह परेशान, मुझे ताबीर तो पूछनी है। उसने कहा, यार किसी अच्छे बंदे को जो समझदार बोल गया हो। अब समझदार साहब आ गए, मगर ताबीर तो वही थी। जो ताबीर थी वही, खाली कहने का अंदाज बदल गया। ताबीर तो वही थी, मगर उसको समझ थी कि मुझे बात कैसे करनी। बादशाह ने ख्वाब सुनाया, उसने बड़ी खुशी का इजहार किया कि बादशाह सलामत, ये तो बहुत अच्छा ख्वाब है। उसने पूछा, ताबीर क्या है? उसने कहा कि आपकी उम्र इतनी लंबी होगी कि आपके तमाम बच्चों से ज्यादा उम्र लंबी होगी। बादशाह ने उसको इनाम देकर दिया। वही चीज हुई, उसमें सब तुम्हारे सामने मरेंगे तो क्या मतलब, उम्र लंबी होगी तो ही सामने मरेंगे। उसने मरने का लफ्ज़ नहीं बोला, उसने क्या कहा कि आपकी उम्र लंबी होगी। तो इंसान खुश हो जाता है, क्या मेरी उम्र लंबी हो, बहुत अच्छी बात। हालांकि पहले वाले ने वही कहा था, लेकिन अंदाज गलत था। दूसरे वाले ने वही कहा, अंदाज बदल दिया। समझ रहे ना? तो देखो कैसे अंदाज से कितना इंसान पर फर्क पड़ता है। तो उसको तो इनाम देकर, उसको तो जूते मारकर भगाया और उसको इनाम मिला। तो बात तो एक ही थी, पेश करने का अंदाज अलग था। अगर पेश करने का अंदाज मुस्बत तरीके हो तो अच्छा लग जाता है, और अगर सख्त हो तो दूसरे को इंसान उल्टा दे दुख पहुंचा देता है। एक बच्चा था जिसको मां बाप ने अच्छी तरबियत दी थी, मां बाप ने उसको अच्छी तरबियत दी थी। एक मेहमान उस बच्चे से बहुत मुतासिर हुए। घर में मेहमान आते हैं तो बच्चे कभी खिदमत करते। एक मेहमान उस बच्चे से बहुत मुतासिर हुए। वो आता और उसके खाना लगवाता, दस्तरखान पर से बर्तन उठा के ले जाता। इतने सलीके से वो काम करता कि उसने मेहमान का दिल जीत लिया। मेहमान जानते थे कि वो मेजबान का बच्चा है। उसकी उम्र कोई 8-9 साल की थी। उस मेहमान का जी चाह कि मैं उससे कुछ देर बातचीत करूं और मैं मालूम करूं कि उसके वालिद ने उसकी इतनी अच्छी तरबियत कैसे की। चुनांचे एक दिन बच्चे ने खाना लगाया और जाने लगा, तो मेहमान ने जल्दी से उससे बात छेड़ी। पूछा, बच्चे जरा बात सुनो, तुम सबसे बड़े हो। सवाल पूछा, तुम सबसे बड़े हो? तो जब उसने कहा
कि बच्चे तुम सबसे बड़े हो, तो छोटा सा बच्चा शर्मा के पीछे हटा, कहने लगा अंकल सच्ची बात तो यह है कि अल्लाह सबसे बड़े। तो देखो जवाब दिया लेकिन जवाब किस अंदाज का, सच्ची बात तो यह है अल्लाह सबसे बड़े। हाँ बहन भाइयों में मेरी उम्र ज्यादा, इतना दावत भी दे दी कि अल्लाह का तारुफ भी करा दिया और साथ साथ में अपनी उम्र का जवाब भी दे दिया कि अल्लाह सबसे बड़ा है, बहन भाइयों में मेरी उम्र बड़ी। यानी कितना अच्छा अंदाज था बात करने वो समय। तो सलीके की बात है, चुनांचे इंसान बात ऐसे करता है कि उल्टी बात को भी सीधा दिखाता। इंग्लिश का कौन कहता है कि मैं अपनी वाइफ यानी अपनी फैमिली से मोहब्बत नहीं करता, मुझे तो उसकी सास दुनिया की तमाम औरतों से ज्यादा अजीज है। अब अल्फाज है लेकिन इतने खूबसूरत अल्फाज है, मैं इसने मैसेज और पैगाम लपेट दिया कि तारीफ भी कर दी और दूसरे को पता भी नहीं चला, ये तो इंसान की अकल का काम। इंसान की सोच का असर उसकी जात पर पड़ता है। ये तो सारी सोच के बारे में बताया कि कैसी कैसी सोच लोग रखते हैं। अब सोच का असर हमारी जात पर पड़ता है और उसूल की बातें इंसान की शख्सियत पर उसकी सोच का असर होता है। अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग रखे तो उसकी शख्सियत में किस हिसाब से डेवलप और तरक्की होती है, और अगर नेगेटिव थिंकिंग रखे तो उसकी पर्सनैलिटी यानी शख्सियत उस हिसाब से डेवलप। मिसाल के तौर पर आप जरा गौर कीजिए, मक्खियां दो तरह की होती है, मक्खियां दो तरह की होती है, एक कहलाती है शहद की मक्खी, उसकी सोच मस्बत होती है लिहाजा उसको मुअत्तर फिजा की तलाश होती है, अच्छी फिजा ये आपको फूलों के पास मिलेगी, फूलों के बाग में मिलेगी, साफ सुथरी जगहों पर मिलेगी, ये वहां से अमृत हासिल करेगी यानी उसका रस, और फिर आकर एक तरतीब के साथ काम करेगी और फिर वो चीज बनाएगी जिसको हम हनी और शहद कहते हैं। और हनी इतना टेस्टी होता है कि आजकल एक दूसरे से प्यार का इजहार करने के लिए यूरोप में एक दूसरे को क्या कहते हैं, हनी कहते हैं, हनीमून मनाते नहीं मनाते अच्छा हनी कहते हैं प्यार में एक दूसरे को, यानी आप तो शहद से ज्यादा मीठे या मीठी हो जो भी है, तो एक दूसरे को हनी कहते हैं। तो इतना तो ये प्यारा और टेस्टी होता है कि एक अलामत बन गया, और एक मक्खी होती है जिसकी हमेशा सोच और उसकी सफाई वो अच्छी चीजों पर बैठ, और एक मक्खी दूसरी जो होती है गंदी कहलाती है, जो आम फिर रही होती है उसकी सोच गंदी, उसको गंदगी की तलाश होती है, वो गंदगी पर बैठी, वो आपको बागों में नहीं मिलेगी, घरों में भी बैतुल खला में मिलेगी, जहां कूड़े का डब्बा होगा वहां पर मिलेगी, जहां कोई गली सड़ी चीज होगी वहां मिलेगी, इतने खूबसूरत जिस्मों को छोड़कर जहां फंसी और पीप होगी, फूंसी और पीप होगी, हमारे जिस्म पर बैठे कहा जहां फूंसी और पीप होगी वहां पर जाकर बैठे। सोच गंदी तो उसको गंदगी की तलाश, वो हर वक्त उस गंदगी की तलाश में लगी होगी। अब कहने को तो दोनों मक्खियां, मगर एक शहद की मक्खी उसकी सोच कितनी आला और कितने गंदी मक्खी, और उसकी सोच कितनी गंदी, उसकी तलाश भी गंदी। ठीक इसी तरह मुस्बत सोच रखने वाले लोग होते हैं, उसकी मिसाल बीज शहद की मक्खी की तरह मानिंग होती है, वो अच्छे लोग होते हैं। इंसानों में भी बाल लोग शहद की मक्खी की तरह होते हैं और बाल लोग गंदी मक्खी की तरह होते हैं। तो जो शहद की मक्खी की तरह होते हैं
तो वो अच्छी सोच रखते हैं, वो इंसानों से मिलते जुलते रहते हैं तो उनमें अच्छाइयां ढूंढते रहते हैं। अच्छी सोच वाले लोगों से मिलते रहते तो उसमें से क्या है, अच्छाइयां ढूंढते रहते। जैसे अच्छी मक्खी होती हो, उनको हर बंदे में अच्छाइयां नजर आती है, उनकी नजर में सब अच्छे होते। क्यों? कि अच्छी अच्छाइयां ढूंढते हैं तो अच्छाइयां तो हर एक अंदर हमने रखी है। तो जिसकी नजर अच्छी होती है वो हर इंसान के अंदर की अच्छी चीज देख लेता है, उसमें से जो चीज लेना है वो ले लेता, उसके नजदीक सारे लोग अच्छे होते हैं। वो सबसे प्यार करते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, वो सबके लिए खैर का जरिया बन जाते हैं। इसलिए कि सबसे हुस्ने ज़न रखे हुए होते हैं, और जिनकी सोच गंदी होती है वो गंदी मक्खी की तरह उनको गंदगी की तलाश है। ये बंदा भी सबसे मिलता है लेकिन गंदे मक्खी की तरह, उसकी नजर उसके ऐप पर है, एप्पल पड़े बुराइयों पर जाएगी तो गंदी सोच होगी। हर इंसान के अंदर अच्छाइयां भी है बुराइयां भी है। तो हमें तो शरीयत ने क्या कहा, अच्छाइयां दे। दीन भी कहता है अपनी सोच को अच्छी रखो तो इंसान आगे बढ़ सकेगा। सोच को पहले से गंदगी कर लेते हैं तो फिर इंसान वो दुनिया में बड़े बड़े काम नहीं करता, हर जगह वो बेचारा परेशान है। तो फरमाया तो किसी बंदे का नाम गंदी मक्खी की तरह को गंदगी की तलाश होती, किसी बंदे का नाम ले ले तो वो उस पर 10 ऐप निकाल दे, बोले फुला बंदा तो जाने तो वो ऐसा है तैसा है क्या पता नहीं, बोले वो 10 खराबियां निकाल दे, 10 ऐप निकाल दे। मुंह उनको दीन वाले पसंद, न उनको दीन वाले पसंद न उनको दुनिया वाले पसंद, हर चीज में एतराज कर। दीन वालों बताओ तो कहता है यदि ये भी ऐसे सब खराब है, और वो दुनिया से बोले ये भी सब ऐसे होते, अरे होते क्यों होते ऐसे, अगर हम ऐसे हैं तो अब हमें आज से सोच बदल। ये बहुत ये इंसान के लिए बहुत बुरी चीज, दुनिया में हमारे हमारे सेहत पर भी उसका असर होता। तो फरमाया एतराज करते हैं उनका महबूब मशगला होता है बल्कि हर एक से बेजार, ऐसा बंदा हर एक से बेजार। क्यों? उसको किसी उसकी किसी से नहीं बनेगी कि हर एक पैर देखेगा तो बनेगी कैसे, नहीं बनेगी। तो फरमाया हर एक से बेजार होता है, छोटों से भी और बड़ों से भी बेजार, और फिर इतना नहीं बीवी से भी बेजार, फिर बच्चों से भी बेजार, फिर बीवी से भी तंग आ जाता है, बीवी भी मिले तो मुझे बुरी मिली रह गए। यहां सब बोले अपने दिल की बात की, बीवी बुरी नहीं है हमारी सोच बुरी है सर, याद रखना। जब सोच बुरी हो जाए तो बीवी बुरे लगेगी, बच्चे भी बुरे लगेंगे, और जब सोच सही हो जाएगी तो वही बुरी बीवी बहुत अच्छी है। तो हमारी सोच का असर उस पर भी पड़ेगा, उसके अंदर भी खराबी होगी तो वो भी बन जाएगी। तो जो इंसान हमेशा बुरी सोच सोचता है तो हमेशा उसके लिए वो सबसे बेजार हो जाता है, छोटों से भी बड़ों से भी बीवी से भी बच्चों से भी, और हमने कई मरतबा देखा कि अपने आप से भी बेजार हो जाता है, अपने आप से भी बेजार हो जाता है। आपको भी बैठे हुए गालियां दे रहे होते हैं, अपने आप को भी बैठे हुए गालियां दे यार क्या भाई दुनिया में क्या कर रहे, बैठे होते ऐसे होते अपने आप को भी गालियां दे रहे होते। ये असल में उनकी थिंकिंग है जिसने उनकी डेवलप यानी उनकी जो आगे बढ़ने नहीं दिया, लिहाजा को हर चीज बुरी लगती है। हमें एक मरतबा एक मसले का सामना करना पड़ा, करने का मौका आया। एक बड़ी नेक खूबसूरत दीनदार बच्ची थी, एक बड़ी नेक खूबसूरत दीनदार बच्ची थी, नेक घराने की थी, उसकी शादी भी एक नेक घराने में हुई, लेकिन बच्चा जो था वो मनफी सोच वाला था, नेगेटिव हुआ। अब कुछ अरसे के बाद उसने बीवी को सहमत देना शुरू किया, तकलीफ देना शुरू कर दिया, बात नहीं करता था, अब नहीं बात नहीं करता,
یہ نہیں کرتا تھا. ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جب دونوں طرف دینداری ہے تو درمیان میں مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. دونوں مرد بھی دیندار تھا, بیوی بھی دیندار, لیکن بس وہ مطلب بیوی کو تکلیف دینا شروع کر دیا شوہر نے. ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ دونوں طرف دیندار ہے تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اس بچے کو بلایا, اس سے بات پوچھی, بچے ہیں اس کے شوہر کو, اس کو بلایا اور بات پوچھی, بھائی کیونکہ بیوی ہمیں نیک تھی لیکن شوہر بھی نیک تھا لیکن اس کی تھنکنگ بری تھی, پوزیٹو سوچنے والا تھا, اس لیے بیوی کو تکلیف دیتا رہتا تھا. اب شکایت ان اللہ والے کے پاس پہنچی تو انہوں نے سوچا کہ دونوں طرف دیتا نہیں ہے, پھر دونوں میں آپس میں جھگڑا کیوں ہو رہا ہے, دیکھنا پڑتا. تو انہوں نے بلایا شوہر کو اور بات پوچھے, بھائی آپ کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو بیوی اچھی نہیں لگتی؟ کہنے لگا کیا کروں, بس جو کہتا ہوں وہی کرتی ہے. بولے کیا کروں, جو کہتا ہوں وہی کرتی ہے. سبحان اللہ, بھائی یہ بیوی کا بڑا عیب تھا کہ جو کہتا ہوں وہی کرتی. بولے ہے بیٹے تو اچھی بات ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ جو کہو وہ کرے. بولے کہتا ہے کہ نہیں, جو کہتا ہوں وہی ہوتا ہے, اس پر غصہ ہوتا ہے. تو بڑا عیب تھا کہ جو کہتا ہے وہی کرتی ہے. اب دیکھیے یہ صفت کے خاوی جو کہے بیوی وہی کرے, اس کی نظر میں یہ بھی عیب بن گیا, یہ بھی عیب بن گیا کہ سر اگر پہل کرنا گرمی, سر گرمی پہل کرنا لے کر اپنا کام کرے تو اسے یہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا. اور اس نے خاوی کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں, جو کہیں گے میں وہی کروں گی. اس نے خاوی کی طبیعت دیکھی کہ اس کی سوچ بہت عجیب ہے, تو اس نے تو یہی کہا کہ خاوی جو کہے گا میں وہی کروں گی. اب اگر یہ بھی برا تو بندہ جائے کدھر بتا, اب جائے کدھر؟ تو انسان کی سوچ کا بالآخر اس کی اپنی باڈی پر, اپنی پرسنالٹی پر اثر پڑتا ہے. اچھی اور بری سوچ کا اثر دنیاوی زندگی پر بھی پڑتا ہے. یہ تو میاں بیوی پر اچھی اور بری سوچ پر کیسا اثر پڑتا ہے اس کی مثال بتا. اب ہماری دنیاوی زندگی پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. اچھی سوچ والے بندے کو دنیا میں پریشانیاں آتی ہیں مگر وہ ان کو آرام سے حل کر لیتا ہے, کسی سے معافی مانگ لیتا ہے, اسی کو معاف کر دیتا ہے. اچھی سوچ ہے, اچھی سوچ والے ہمیشہ معاف کرتے بھی ہیں اور معافی مانگتے بھی ہیں. زندگی کی گاڑی سکون سے چلتی رہتی ہے, زندگی کی گاڑی سکون سے چلتی رہتی ہے. اور جو منفی سوچ والا ہوتا ہے وہ تو ایسا بندہ ہوتا ہے کہ ہر بات کا پتنگڑ بنا دیتا ہے. اس کا محبوب مشورہ ہوتا ہے اور ہر کام کو بگاڑ دیتا ہے. مثال یوں سمجھیے کہ ٹرین دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ایکسپریس ٹرین, اکثر لوگ اس پر سوار ہونا پسند کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ چلتی ہے تو تیز رفتار کے ساتھ, راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے رہتے ہیں, وہ ہر اسٹیشن پر کھڑی نہیں رہتی. جب اسٹیشن آنے لگتا ہے تو وہ تھوڑا سلو رفتار کم کر لیتی ہے اور اسٹیشن کراس اور پار کر کے پھر بھاگنا شروع کر دیا. پھر اگلا اسٹیشن آ گیا, تھوڑا سا سلو کر دیا, پھر اسٹیشن پار کر کے پھر بھاگی. تو وہ رکتی نہیں, چند جگہوں پر رکتی ہے بس, اور اپنی منزلوں پر تیزی سے پہنچا دی. اور لوگ دگنا کرایہ دے کر ٹکٹ لیتے ہیں اور تھوڑے وقت میں اپنے منزل پر پہنچنے کی وجہ سے ایکسپریس ٹرین میں سفر کرنا پسند ہے. اور ایک ہوتی ہے پیسنجر. کسی کاروباری بندے کو کہتے کہ جناب ذرا بیٹھیے بمبئی سے دہلی پیسنجر ٹرین میں اور آپ 3 دن میں پہنچ جائیں گے, آپ کو مفت ٹکٹ دیتے ہیں, رہے گا اپنی ٹکٹ اپنے پاس رکھ, مفت دوں گے؟ ارے لینے کوئی,
तीन दिन कौन इंतजार करे? आपकी टिकट अपने पास रखो, कौन बंदा है जो तीन दिन का इंतजार करे? और हर स्टेशन पर खड़ा होता जाए हुआ जाए तो मान हुआ कि पैसेंजर ट्रेन पर वही सफर करता है जिसको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक थोड़ा सफर करना होता है। लंबे सफर करने वाले इन ट्रेनों पर सफर नहीं करते और उनके नजदीक वक्त कीमती होता है। इंसान भी इसी तरह दो तरह के, इंसान भी दो तरह के, कुछ लोग होते हैं एक्सप्रेस ट्रेन की तरह जिंदगी गुजारने वाले कि उनका मकसद तय होता है, कि उनको पता होता है कि मुझे अपनी जिंदगी में अपने मकसद को हासिल करना है। मुझे उनकी अपनी जिंदगी में अपने मकसद को, क्योंकि इंसान के सामने जब मकसद होता है तो फिर इंसान अपने मकसद को हासिल करने के लिए पूरी मेहनत और ताकत लगा देता है। तो जिंदगी में मकसद हासिल करना होता है, मकसद हासिल करना है तो छोटी मोटी कोई परेशानी होती है तो फिर इंसान तो उसको वो हल कर लेता है। जैसे स्टेशन आ गया, गाड़ी थोड़ी सी धीरे करके फिर भागना शुरू कर दिया। तो ये इंसान का जिसके सामने अपना मकसद होता है तो कैसे भी हालात आते हैं वो थोड़ा सा सोचकर अपने आगे सोचकर आगे अपना रास्ता निकाल देता है और आगे बढ़ जाता है। जैसे स्टेशन आ गया, थोड़ी देर धीरे करके फिर भागना शुरू कर दिया, फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, फिर उसको हल करके फिर इंसान निकल जाता है। कुछ लोग होते हैं वो अपनी इस दिवाची जिंदगी को, कुछ लोग होते हैं जो अपनी इस दिवाची जिंदगी को पैसेंजर ट्रेन की तरह गुजारते हैं। इस दिवाची जिंदगी मियां फिर तो पैसेंजर ट्रेन की तरह गुजरते। मैंने देखा सालन में नमक भी ठीक नहीं है, अब उस पर मियां बीवी में कहां सुनी हो। छोटी छोटी चीज को तो हल कर लेना चाहिए। अब इस पर ही झगड़ा शुरू कर दे पैसेंजर ट्रेन, ये छोटे छोटे स्टेशन पर रुक जाती है तो छोटी छोटी गलतियों पर भी डांटना शुरू कर देता ये पैसेंजर ट्रेन। तो फरमाया सालन में नमक कम हुआ तो दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। अब बताओ ये कोई बात है भाई? कम है तो ज्यादा कर ले, ज्यादा है तो कोई दूसरी चीज इस्तेमाल कर ले, लेकिन लड़ाई झगड़ा क्यों करते हो? ये तो लड़ने वाली बात तो नहीं है। एक दफा आप निशानदेही कर देंगे तो दूसरा दफा अच्छी चीज बन जाएगी, मगर नहीं। देखिए मुझे गर्म रोटी नहीं मिली, कभी तो रोटी ठंडी मिली तो उस पर झगड़ा, मुझे गर्म रोटी नहीं मिली। आज मैं तैयार हो गया और देखो मेरी बीवी ने तैयार होने के 5 मिनट बाद मेरे कपड़ों को अस्तरी करके मुझे दिया, मेरा 5 मिनट लेट कर उस पर झगड़े। लेकिन हर चीज पर तो ये पैसेंजर ट्रेन नहीं बना, फिर भी अस्तरी अपने हाथ से करके निकल जाए, अपने वक्त पर चले जाए। तो छोटी मोटी चीज को झगड़ा ना बना ले, क्योंकि इसके सामने मकसद नहीं होगा तो वह छोटी छोटी चीजों पर झगड़ेगा, और जिसके सामने मकसद होता है वो हल करके निकल जाए। कभी इंसान की तबीयत ठीक नहीं होती, कभी उसका मूड ठीक नहीं होता, कभी सुस्ती भी हो जाती है। ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये इंसान के साथ लगी हुई है चीजें हैं। तो इंसान के अंदर इतनी तहमुल हो, सब्र हो, बर्दाश्त हो, ये छोटी मोटी चीजों को वो आसान के साथ बर्दाश्त कर ले तो उसकी जिंदगी अच्छी गुजर। जो इंसान छोटी मोटी चीजों को बर्दाश्त कर ले तो उसकी जिंदगी अच्छी गुजर, वरना तो हर दूसरे चौथे दिन घर में मियां बीवी के दरमियान में झगड़ा बनता चला जी। कामयाबी और नाकामी पर सोच का असर, ये तो दुनियावी चीजों पर इंसान का सोच का असर होता है। फिर इंसान कामयाब कब होता है, नाकाम कब होता है, उस पर भी सोच का असर है। हमने देखा कि जिन लोगों की सोच मस्बत होती है दुनिया में वही कामयाब इंसान होते, वही कामयाब इंसान होते। जितने कामयाब इंसान गुजरे ये सब के सब वही लोग थे जो
पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले थे, चाहे काफिर थे चाहे मुसलमान, उनका कोई फर्क नहीं, उनकी शख्सियत को देखे और वो काम कर रहे। न्यूटन के बारे में मशहूर है, न्यूटन जब उसने एक लॉ दरियाफ्त किया, लॉ ऑफ मोशन को दरियाफ्त कर लिया, तो बड़ा खुश हुआ कि मेरी इतनी मेहनत काम आ गई। फिर उसे वॉशरूम यूज करने की जरूरत थी, चुनांचे वॉशरूम में गया, उसके घर में एक कुत्ता था जो उसने पाला हुआ था, वो कुत्ता कमरे में घुसा, यानी उसने एक नई चीज इजाद की थी, समझे। अब इंसान ने एक नई चीज इजाद की, उसके कितने पेपर्स और कागज और पता नहीं क्या क्या सब जमा, उसमें वो कामयाब भी हो गया और खुश हुआ। बस वो पेपर घर में पड़े थे और सोचा कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूं, तो इतने में उसके घर के अंदर जो उसका कुत्ता था, वो कुत्ता कमरे में घुसा, सारे कमरे में कागज ही कागज नजर आते थे। अब वो कुत्ता आया तो एक जगह चिराग जल रहा था, वो जब एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा तो चिराग गिरा और कमरे में जितने कागज थे उन कागज को आग लगा। अब सोचे जरा हम जैसे हो तो क्या करते, कि इतने सालों की मेहनत करके एक कानून तैयार किया था, एक लॉ तैयार किया, और अभी उसको सिर्फ डेवलप करना है, और वो वॉशरूम में आया तो आग लग गई, उसकी तो पूरी मेहनत जाए हो। लेकिन इनकी सोच सही थी, उन्होंने सोचा कि क्या करूं, कागज जल गए और कमरे में जितने कागज और कागज हो आग लग गई, न्यूटन को वापस आने पर सब कुछ जलकर राख बन चुका। अब जो बाहर निकला, अगर आम आदमी हो तो सदमे में चला जाता, मर चला जाता कि मेरी मेहनत जाये हो, मगर वो घबराया। उसने अपने कुत्ते से इतना कहा कि तुमने मेरा काम पढ़ा, कुत्ते को मारा नहीं था, मैं तो कुत्ते को पहले मार दो डंडा लेकर, इसने मेरा काम खराब किया। कुत्ते को मारा नहीं, कुत्ते को ये कहा कि तुमने मेरा काम खराब, उसमें भी प्यार से कह रहा हमारी दीदी कैसी हुई, उसने कहा कि तुमने मेरा काम खराब कर, इतना कहा कि तुमने मेरा काम बढ़ा दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया। उसने अपने कमरे की सफाई की और फिर नए कागज मंगवाए, जो उसके माइंड और दिमाग के अंदर जो याददाश्त थी उसने उसको दोबारा लिखना शुरू कर, और विद इन वन ईयर अगले एक साल में उसने फिर वो सारा लो हद तक के कहानी को दोबारा तैयार किया। तो जिन लोगों की सोच मुस्बत होती है वो परेशानी मसाइब के बावजूद भी अपने को संभाल लेते हैं, यानी कामयाब हो गया। अगर वो सोच सही नहीं होती तो नाता हो जाता, बोले अब क्या करूं, अब तो मैं थके बैठ जाता था। देखो काम के मुख्तलिफ ऑप्शन में रखना चाहिए, यानी एक काम करना है तो इस रास्ते से करना हुआ तो किस रास्ते से करेंगे, ये ना हुआ तो तीसरा, तो मुख्तलिफ ऑप्शन हो हमारा, हमारे सामने एक ही रास्ता होता है, बोले नहीं होता है छोड़ हम बैठ जाते हैं। तो इटली का एक साइंसदान था, वो चाहता था कि कपड़े को सीने के लिए हाथ से सुई इस्तेमाल की जाए, जब हाथ से कपड़े सिए जाते थे तो सुई की पुष्ट पर सुराख होता था, हाथ से जो कपड़े सीते उसमें ऊपर सुराख होता है, आगे नॉब होती है, तो उस पर धागा डाला जाता है और औरतें हाथ से कपड़े सीती। उसने सोचा कि मैं खुद का मशीन बना, लेकिन मशीन तो ऑटोमेटिक बन गई, मशीन तो बन गई, मुश्किल आई थी कि सुई जब चलती थी तो टूट जाती थी। उसने मशीन बनाई ऑटोमेटिक सीने की, लेकिन सुई चलती तो सुई टूट जाती थी। अब सोचने लगा क्योंकि कामयाब होना है, सोचेगा तो अल्लाह ताला दिल में डाल देगा, तो सुई टूट जाती थी, थोड़ी थोड़ी देर बाद हर सुई टूट जाती थी। बड़ी मेहनत की उसने, मगर कोई सूरत नहीं बनी, क्योंकि उस वक्त सुई का जो धागा लगाने का ऊपर था उसने वही सुई लगा दी, बोले मैं सीता हूं। उसने सोचा कि इससे काम नहीं बनेगा,
खूबसूरत नहीं, वो बंदा थका नहीं, उसने हिम्मत हारा नहीं, उसने सोचा कि मैं एक ही लाइन पर सोच रहा हूं, ये सुई टूट रही, एक ही लाइन पर सोच रहा हूं, जरा दूसरी लाइन से भी मैं सोचू। उसने अपनी लाइन को बदला, दूसरी लाइन से सोचू। तो कई होती है लाइनें, तो कई होती है। अब उसने जब सोचा तो कहा कि ये जो सुराख पुष्प पर बनाते हैं, मैं ये सुराख को आगे क्यों ना बनाऊं। इसने सोचा कि मैं सुराख को आगे बनाऊं, फिर ट्राई करूं आगे की तरफ बनाना। जैसे ही उसको मशीन में इस्तेमाल किया, बनाया, वो कामयाबी के साथ चलना शुरू हो गई और वो बंदा एक मशीन ईजाद करने वाला बना। हारा नहीं, ये इंसान कोई भी काम में जब कामयाब होता है, बिजनेस के अंदर पर दुकान नहीं चल रही है, तो सोचो ना ये कैसे करना है, कहां पर मेरी खराबी है। सोचेगा तो रास्ते सारे निकलेंगे, लेकिन हम सोचते ही नहीं है। हमें हर चीज में मियां बीवी में झगड़ा होता है तो सोचे कि किस बात पर झगड़ा होता है, मैं भी क्या परेशान हूं कि छोटी जो झगड़े खत्म हो जाए। अरे औलाद मेरी नाफरमान होती जा रही है, तो किस वजह से, मेरी कोई मिस्टेक है, मेरी सोच में फर्क है, मैं अपने आप को बदल दू तो औलाद फरमा बरदार बन जाए। तो हर चीज में ये होता है। चलो लोग घूमना शुरू कर, आज के दिन इंशाल्लाह इतना ही रहते हैं। इस पर और भी बहुत सारी बातें हैं, ये मजमून बहुत लंबा है।